सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और ये कह दिया है कि जो चुनी हुई सरकार है, यानी जो दिल्ली में राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार ही असली बॉस है। दिल्ली सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है और कहा है कि राज्य सरकार ही दिल्ली की बॉस है। आंचल आनंद हमारे साथ न्यूज एडिटर जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे उनका रुख करते हैं। आंचल, बड़ी खबर और शायद ये सबसे बड़ी जीत, जिस तरीके से सबसे बड़ी राहत, ये साफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब दिल्ली में राज्य सरकार ही असली बॉस है। बिल्कुल, राज्य सरकार ही अगली पूरी की पूरी बॉस है। सिर्फ तीन क्षेत्रों को छोड़कर, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वो ना सिर्फ, बिल्कुल, राज्य सरकार ही अगली पूरी की पूरी बॉस है। सिर्फ तीन क्षेत्रों को छोड़कर, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वो ना सिर्फ इसको लेकर कानून बना सकती है, बल्कि एलजी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की राय से बाध्य है, जैसा कि दूसरे राज्य में होता है। और अभी तक जो केंद्र सरकार का स्टैंड रहा कि एलजी और राष्ट्रपति का ही फैसला चलेगा, केंद्र सरकार के थ्रू कहीं ना कहीं जो दिल्ली का शासन है वो चलाया जा सकता है, उसको पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है राकेश, और साफ कर दिया है कि दिल्ली के बॉस जो उसके अधिकार क्षेत्र वेल डिफाइंड है, उसके अंदर दिल्ली सरकार ही बॉस है, वो फैसले ले सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो कई ऐसे फैसले थे, स्ट्रिंग ऑफ फैसले थे, चाहे वो सीएनजी फिटनेस स्कैम को लेकर हो, चाहे वो डीडीसीए की स्कैम की बात की गई हो, ये सारे फैसले जो केजरीवाल सरकार की तरफ से लिए गए और वो अटक जाते थे, उसके ऊपर अब इंडिविजुअली क्या होगा, भले ही बीएससीएसडी या ये कई ऐसे फैसले थे जो राज्य सरकार की तरफ से लिए गए, तो साफ कर दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली का बॉस जो है वो दिल्ली सरकार ही है। और अभी कुछ ही क्षणों की हमें इंतजार करना होगा, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी बहुत मुस्कुराते हुए मीडिया के साथ रूबरू होने वाले होंगे। जी राकेश, आचल आचल, एक जो अब जहन बात जो है वो जहन में उठती है वो ये है कि अब बदलाव क्या होगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए तीन क्षेत्र हैं जहां पर केजरीवाल सरकार ना तो पहले फैसले ले सकती थी ना अभी ले सकती है। वो है दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई बातें वो उसके दायरे में नहीं होंगी। लैंड, उससे जुड़े हुए फैसले दिल्ली सरकार नहीं ले सकती है, जो उसके एरिया में नहीं आते हैं। डीडीए पूरी तरह से केंद्र के अधीन आता है। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर से जुड़े हुए फैसले, जैसा कि आप जानते हैं कि जो देश की राजधानी चूंकि दिल्ली है तो वो सीट ऑफ पावर है, यहाँ पर संसद है, वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े मसले हैं, लेफ्टिनेंट डेली के अंदर ना सिर्फ केंद्र की कैबिनेट बल्कि तमाम जो एमपीज हैं उनके रेजिडेंसेज हैं, तो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं जो राज्य सरकार को नहीं दी जा सकती हैं और अभी तक ना दी गई हैं। वो जहां तक बात आती है, तीन जो क्षेत्र हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये जरूर वेल डिफाइन कर दिया है कि अल्टीमेटली हर फैसले के ऊपर एलजी अपना वीटो नहीं लगा सकते हैं जी। वो मंत्रिपरिषद के जो एड एंड एडवाइस है, जो उनके सुझाव है, उससे बाध्य होंगे राकेश। और ये बात दिल्ली सरकार की ओर से दी गई दलील में आचल ये कहा भी गया था कि जो अधिकार है उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर चुनी हुई सरकार के पास अधिकार नहीं है तो फिर वो सरकार किस काम की। आर्टिकल 239A को लेकर भी कहा गया कि इसकी व्याख्या होनी चाहिए, जिसके तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और शायद अब जो बात सामने निकल कर आ रही है, शायद अब स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में विवाद देखने को मिले हैं वैसी स्थिति शायद अब दिल्ली के अंदर ना हो। और देखिए, विवाद कितने होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है राकेश, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अभी तक जो ग्रे एरिया बना हुआ था, जो एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति थी, और दिल्ली की जनता अगर अपने आप को फुटबॉल की तरह महसूस करती हो एलजी वर्सेस आप सरकार के बीच में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब बहुत देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस मामले में रिव्यू किसी को दाखिल करना हो तो कर दे केंद्र सरकार, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये साफ कर दिया है, वेल डिफाइन कर दिया है
कि जो एरिया दिल्ली सरकार के तहत है उस पर ना सिर्फ वो कानून बना सकती है, एलजी उस कानून को मतलब पास करने के लिए, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए एड और एडवाइस जो कि दिया जाएगा मंत्रिपरिषद की तरफ से दिल्ली सरकार के, उसको लेकर बाध्य है। यानी कि हर फैसले पे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हो सकती है, हर फैसले को राष्ट्रपति को रेफर नहीं किया जा सकता है। यही अपने आप में केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। बल्कि मैं तो राकेश ये भी कहूंगी, हालांकि किसी का भी मन और मंशा पढ़नी बहुत मुश्किल होती है और आप सरकार लगातार इसकी मुहिम भी चलाती आई है पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने जितना भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा ये फैसला, उससे भी ज्यादा उनको देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है, उससे भी बड़ी राहत दी है। आंचल, मैं आपसे आसान शब्दों में अगर जानना चाहूं, जो अभी तक अपडेट्स आए हैं, जो अभी तक फैसलों में जो बातें कही गई हैं, अब ये तो तय कर दिया गया कि राज्य सरकार ही दिल्ली में असली बॉस है। जो तीन एरियाज को आपने कहा कि उन तीन एरियाज में लैंड पब्लिक ऑर्डर और दिल्ली पुलिस की बात आती है तो वहां पर आप फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बातें कही गई हैं, तीन सबसे बड़ी बातें अगर मैं आसान शब्दों में, आसान पॉइंटर्स में आपसे जानना चाहूं तो देखिए, आंचल मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मनोज तिवारी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनते हैं उनको। आज माननीय न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के दो स्टेटमेंट को बहुत ही खास रूप में देखा जाना चाहिए। पहला कि अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है और संविधान सर्वोच्च है। ये दो लाइन में ही मैं समझता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझ में आ जानी चाहिए कि अराजकता शब्द सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अगर आया तो सीधा सीधा वो अरविंद केजरीवाल जी को एक सबक है। और संविधान को सर्वोच्च मान के चलना, ये तो पहले से भी यही कहा गया है। माननीय एलजी साहब को पूरी कैबिनेट की जो चुनी हुई सरकार है उसको, उसके हर वो चीज को जो वो संवैधानिक रूप से करते हैं उसको मानना ही मानना है। तो मैं समझता हूं ये तीनों लाइन मिला दें तो आज अरविंद केजरीवाल जी को एक अच्छा सबक मिला है। तो ये मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। और इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बात, राज्य सरकार दिल्ली की असली बॉस है, दिल्ली सरकार को बड़ी राहत, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। जो छन छन के जो फैसले आए, जब फैसला पढ़ना शुरू किया गया करीब आधे घंटे से आज फैसला पढ़ा जा रहा था, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं। आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आंचल, ये तो अब साफ कर दी गई है कि शर्तों के साथ दिल्ली में राज्य सरकार ही असली बॉस है। तीन बड़ी बातें जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, अब तक के फैसला जो सुनाया गया है, जो पॉइंटर्स आए हैं, तीन सबसे बड़ी बातें मैं आसान शब्दों में आपसे समझना चाहूंगा। राकेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली की बॉस है। तीन एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, तो इसके अलावा जो भी कानून दिल्ली को लेकर बनेगा उसमें दिल्ली सरकार ही कानून बनाएगी। और एलजी दिल्ली सरकार की बात सुनने के लिए बाध्य हैं, वो एड ऑफ एडवाइस ऑफ कैबिनेट पर ही काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही काम करेंगे। ये दूसरी बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात जो कि संविधान कहता है 239AA, वो कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि दोनों के बीच में अगर मतभेद होता है तो मामले को एलजी राष्ट्रपति के पास रेफर कर सकते हैं। इसको लेकर भी एलजी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर फैसले को सरकार के मैकेनिकल तरीके से, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड और सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसीलिए रेफर नहीं कर दिया जाएगा राष्ट्रपति को। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बहुत ही एक मामला जो है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और बहुत ज्यादा उसमें जरूरत हो कि केंद्र सरकार का उसमें इंटरेस्ट हो या नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जिस तरह के जो गहन मामले हैं, सीरियस मैटर्स हैं, उन्हीं को रेफर किया जा सकता है राष्ट्रपति को। हर मैटर को लेकर राष्ट्रपति को नहीं रेफर किया जा सकता। और दिल्ली सरकार का जो ये कहना था कि फाइलों के ऊपर एलजी बैठे रहते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, तो उसको लेकर 600-650 फाइल्स का हवाला केजरीवाल सरकार देती रही थी। उन्होंने कहा गवर्नेंस पैरालिसिस है क्योंकि एलजी फैसले नहीं लेते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति अब नहीं चलेगी,
दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली से जुड़े हर फैसले को ले सकती है और एलजी उनकी बात सुनने के लिए बाध्य है। राकेश, ये बहुत बड़ी राहत है केजरीवाल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है। राचल, जो तीन जज अपना फैसला सुना रहे थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन जो समानता जो जानकारी पहुंची है, जो अगर मैं सही हूं, कि तीनों ने एकमत होकर ये कहा कि अगर सरकार का गठन हुआ है तो उसका अपना महत्व है और दिल्ली सरकार की सलाह से एलजी को काम करना चाहिए। ये बातें तीनों जजों ने एकमत से कही है। बिल्कुल राकेश, इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए, दिल्ली लगातार यही कहती आई थी, केजरीवाल सरकार यही कहती आएगी कि अगर सारे फैसले एलजी को ही लेने हैं तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है, हम क्यों यहाँ पर बैठे और हमारी जवाबदेही जनता के पास क्यों है। वो तो आकर यही कहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा रुख उनका करना चाहूंगी। आशीष, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी राहत, दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आ रहे हैं, पता करके आ रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन है? देखिए, अब ये तय हो गया है कि दिल्ली का जो बॉस है वो दिल्ली सरकार होगी, ना कि उपराज्यपाल। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उपराज्यपाल को बॉस बनाया था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया कि 239A के तहत जो मंत्री परिषद जो बनता है उसकी सलाह पर एलजी काम करने के लिए बाध्य है। दूसरी अहम बात कोर्ट ने कही कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का एक फैसला पहले से ही है एनडीएमसी का, जिसमें दर्जा देने से इनकार कर दिया गया है। तो लिहाजा दिल्ली को दर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन दिल्ली को यहां शक्तियां बहुत मिल गई हैं। तीसरी अहम बात यह कही है कि उपराज्यपाल उन्हीं मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत बड़ा हो, हर मामलों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता। चौथी और सबसे अहम बात कि अब जो उपराज्यपाल हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों ही सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में काम करें। जो चुनी हुई सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ऐसे में एलजी जो भी पास उनके फाइलें आती हैं या जो भी चीजें उनके पास आती हैं, हर चीज में वो व्यवधान ना डाले। आपको ध्यान में होगा आंचल की बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था कि रोजमर्रा के जो काम है उसमें लगातार जो एलजी हैं वो रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि संवैधानिक पीठ का फैसला है कि रोजमर्रा के जो काम है उसमें आप रिकॉर्ड पैदा नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी बात आशीष, वैसे तो मांगने को हम चांद भी मांग सकते हैं और दिल्ली सरकार का एक इसको राजनीतिक तौर पर भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का फुल स्टेटहुड की मांग रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज जितना भी दिल्ली सरकार को और खासतौर से केजरीवाल सरकार को मिला उम्मीद से भी ज्यादा माना जाए, ये बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा है, क्योंकि जो हियरिंग हुई थी उसमें हमें यही लग रहा था कि दिल्ली सरकार को कुछ शक्तियां मिलेंगी, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर जो अधिकारी हैं वो उनके अंडर काम करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति मिल जाएगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था और ये बहुत बड़ी है क्योंकि अब मंत्री परिषद की जो सलाह होगी यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह पर एलजी को काम करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि एलजी जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम नहीं करेंगे, लेकिन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। चलिए, जाहिर तौर पर, लेकिन आचल मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आशीष भी हमारे साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन दिल्ली में जो चुनी गई सरकार है यानी जो राज्य सरकार है वो ही असली बॉस है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और ये कह दिया है कि जो चुनी हुई सरकार है यानी जो दिल्ली में राज्य सरकार है वो राज्य सरकार ही असली बॉस है। दिल्ली सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है और कहा है कि राज्य सरकार ही दिल्ली की बॉस है। आंचल आनंद हमारे साथ न्यूज एडिटर जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे उनका रुख करते हैं। आंचल, बड़ी खबर और शायद ये सबसे बड़ी जीत, जिस तरीके से सबसे बड़ी राहत, ये साफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब दिल्ली में राज्य सरकार ही असली बॉस है। बिल्कुल, राज्य सरकार ही अगली पूरी की पूरी बॉस है, सिर्फ तीन क्षेत्रों को छोड़कर, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वो ना सिर्फ, बिल्कुल, राज्य सरकार ही अगली पूरी की पूरी बॉस है, सिर्फ तीन क्षेत्रों को छोड़कर, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वो ना सिर्फ इसको लेकर कानून बना सकती है बल्कि एलजी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की राय से बाध्य है, जैसा कि दूसरे राज्य में होता है। और अभी तक जो केंद्र सरकार का स्टैंड रहा
कि एलजी और राष्ट्रपति का ही फैसला चलेगा, केंद्र सरकार के थ्रू कहीं ना कहीं जो दिल्ली का शासन है वो चलाया जा सकता है, उसको पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है राकेश, और साफ कर दिया है कि दिल्ली के बॉस जो उसके अधिकार क्षेत्र वेल डिफाइंड है उसके अंदर दिल्ली सरकार ही बॉस है, वो फैसले ले सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो कई ऐसे फैसले थे, स्ट्रिंग ऑफ फैसले थे, चाहे वो सीएनजी फिटनेस स्कैम को लेकर हो, चाहे वो डीडीसीए की स्कैम की बात की गई हो, ये सारे फैसले जो केजरीवाल सरकार की तरफ से लिए गए और वो अटक जाते थे उसके ऊपर अब इंडिविजुअली क्या होगा, भले ही बीएससीएसडी या ये कई ऐसे फैसले थे जो राज्य सरकार की तरफ से लिए गए, तो साफ कर दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली का बॉस जो है वो दिल्ली सरकार ही है। और अभी कुछ ही क्षणों की हमें इंतजार करना होगा, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी बहुत मुस्कुराते हुए मीडिया के साथ रूबरू होने वाले होंगे। जी राकेश, आचल आचल एक जो अब जहन बात जो है वो जहन में उठती है वो ये है कि अब बदलाव क्या होगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए तीन क्षेत्र हैं जहां पर केजरीवाल सरकार ना तो पहले फैसले ले सकती थी ना अभी ले सकती है, वो है दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई बातें वो उसके दायरे में नहीं होंगी। लैंड, उससे जुड़े हुए फैसले दिल्ली सरकार नहीं ले सकती है, जो उसके एरिया में नहीं आते हैं, डीडीए पूरी तरह से केंद्र के अधीन आता है। और तीसरा पब्लिक ऑर्डर से जुड़े हुए फैसले, जैसा कि आप जानते हैं कि जो देश की राजधानी चूंकि दिल्ली है तो वो सीट ऑफ पावर है, यहाँ पर संसद है, वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े मसले हैं, लेफ्टिनेंट डेली के अंदर ना सिर्फ केंद्र की कैबिनेट बल्कि तमाम जो एमपीज हैं उनके रेजिडेंसेज हैं, तो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं जो राज्य सरकार को नहीं दी जा सकती हैं और अभी तक ना दी गई हैं। वो जहां तक बात आती है तीन जो क्षेत्र हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये जरूर वेल डिफाइन कर दिया है कि अल्टीमेटली हर फैसले के ऊपर एलजी अपना वीटो नहीं लगा सकते हैं जी। वो मंत्रिपरिषद के जो एड एंड एडवाइस है, जो उनके सुझाव है, उससे बाध्य होंगे राकेश। और ये बात दिल्ली सरकार की ओर से दी गई दलील में आचल ये कहा भी गया था कि जो अधिकार है उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और अगर चुनी हुई सरकार के पास अधिकार नहीं है तो फिर वो सरकार किस काम की। आर्टिकल 239A को लेकर भी कहा गया कि इसकी व्याख्या होनी चाहिए जिसके तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और शायद अब जो बात सामने निकल कर आ रही है शायद अब स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में विवाद देखने को मिले हैं वैसी स्थिति शायद अब दिल्ली के अंदर ना हो। और देखिए विवाद कितने होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है राकेश, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अभी तक जो ग्रे एरिया बना हुआ था, जो एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति थी, और दिल्ली की जनता अगर अपने आप को फुटबॉल की तरह महसूस करती हो एलजी वर्सेस आप सरकार के बीच में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप बहुत देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस मामले में रिव्यू किसी को दाखिल करना हो तो कर दे केंद्र सरकार, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये साफ कर दिया है, वेल डिफाइन कर दिया है कि जो एरिया दिल्ली सरकार के तहत है उस पर ना सिर्फ वो कानून बना सकती है एलजी, उस कानून को मतलब पास करने के लिए, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए एड और एडवाइस जो कि दिया जाएगा मंत्रिपरिषद की तरफ से दिल्ली सरकार के, उसको लेकर बाध्य है, यानी कि हर फैसले पे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हो सकती है, हर फैसले को राष्ट्रपति को रेफर नहीं किया जा सकता है। यही अपने आप में केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है, बल्कि मैं तो राकेश ये भी कहूंगी, हालांकि किसी का भी मन और मंशा पढ़नी बहुत मुश्किल होती है और आप सरकार लगातार इसकी मुहिम भी चलाती आई है पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने जितना भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा ये फैसला उससे भी ज्यादा उनको देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है, उससे भी बड़ी राहत दी है। आचल मैं आपसे आसान शब्दों में अगर जानना चाहूं जो अभी तक अपडेट्स आए हैं, जो अभी तक फैसलों में जो बातें कही गई हैं, ये तो तय कर दिया गया कि राज्य सरकार ही दिल्ली में असली बॉस है। जो तीन एरियाज को आपने कहा कि उन तीन एरियाज में लैंड पब्लिक ऑर्डर और दिल्ली पुलिस की बात आती है तो वहां पर आप फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बातें कही गई हैं तीन सबसे बड़ी बातें अगर मैं आसान शब्दों में आसान पॉइंटर्स में आपसे जानना चाहूं तो आचल मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मनोज तिवारी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनते हैं उनको। आज माननीय न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के दो स्टेटमेंट को बहुत ही खास रूप में देखा जाना चाहिए। पहला कि अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है और संवैधानिक संविधान सर्वोच्च है, ये दो लाइन में ही
मैं समझता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझ में आ जानी चाहिए कि अराजकता शब्द सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अगर आया तो सीधा सीधा वो अरविंद केजरीवाल जी को एक सबक है, और संविधान को सर्वोच्च मान के चलना ये तो पहले से भी यही कहा गया है। माननीय एलजी साहब को पूरी कैबिनेट की जो चुनी हुई सरकार है उसको उसके हर वो चीज को जो संवैधानिक रूप से करते हैं उसको मानना ही मानना है। तो मैं समझता हूं ये तीनों लाइन मिला दें तो आज अरविंद केजरीवाल जी को एक अच्छा सबक मिला है। तो ये मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। और इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बात, राज्य सरकार दिल्ली की असली बॉस है, दिल्ली सरकार को बड़ी राहत, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। जो छन छन के जो फैसले आए, जब फैसला पढ़ना शुरू किया गया करीब आधे घंटे से आज फैसला पढ़ा जा रहा था, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं। आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आंचल, ये तो अब साफ कर दी गई है कि शर्तों के साथ दिल्ली में राज्य सरकार ही असली बॉस है। तीन बड़ी बातें जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, अब तक के फैसला जो सुनाया गया है, जो प्वाइंटर्स आए हैं, तीन सबसे बड़ी बातें मैं आसान शब्दों में आपसे समझना चाहूंगा। राकेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली की बॉस है। तीन एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, तो इसके अलावा जो भी कानून दिल्ली को लेकर बनेगा उसमें दिल्ली सरकार ही कानून बनाएगी। और एलजी दिल्ली सरकार की बात सुनने के लिए बाध्य हैं, वो एड ऑफ एडवाइस ऑफ कैबिनेट पर ही काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही काम करेंगे। ये दूसरी बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात जो कि संविधान कहता है 239AA, वो कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि दोनों के बीच में अगर मतभेद होता है तो मामले को एलजी राष्ट्रपति के पास रेफर कर सकते हैं। इसको लेकर भी एलजी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर फैसले को सरकार के मैकेनिकल तरीके से, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसीलिए रेफर नहीं कर दिया जाएगा राष्ट्रपति को, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बहुत ही एक मामला जो है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और बहुत ज्यादा उसमें जरूरत हो कि केंद्र सरकार का उसमें इंटरेस्ट हो या नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जिस तरह के जो गहन मामले हैं, सीरियस मैटर्स हैं, उन्हीं को रेफर किया जा सकता है राष्ट्रपति को। हर मैटर को लेकर राष्ट्रपति को नहीं रेफर किया जा सकता। और दिल्ली सरकार का जो ये कहना था कि फाइलों के ऊपर एलजी बैठे रहते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, तो उसको लेकर 600 650 फाइल्स का हवाला केजरीवाल सरकार देती रही थी। उन्होंने कहा गवर्नेंस पैरालिसिस है क्योंकि एलजी फैसले नहीं लेते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति अब नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली से जुड़े हर फैसले को ले सकती है और एलजी उनकी बात सुनने के लिए बाध्य है। राकेश, ये बहुत बड़ी राहत है केजरीवाल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है। आचल, जो तीन जज अपना फैसला सुना रहे थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन जो समानता जो जानकारी पहुंची है, जो अगर मैं सही हूं, कि तीनों ने एकमत होकर ये कहा कि अगर सरकार का गठन हुआ है तो उसका अपना महत्व है और दिल्ली सरकार की सलाह से एलजी को काम करना चाहिए। ये बातें तीनों जजों ने एकमत से कही है। बिल्कुल राकेश, उसको हमें इस तरह से समझना चाहिए, दिल्ली लगातार यही कहती आई थी, केजरीवाल सरकार यही कहती आएगी कि अगर सारे फैसले एलजी को ही लेने हैं तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है, हम क्यों यहाँ पर बैठे और हमारी जवाबदेही जनता के पास क्यों है। वो तो आकर यही कहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा रुख उनका करना चाहूंगी। आशीष, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी राहत, दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आ रहे हैं, पता करके आ रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन है? देखिए, अब ये तय हो गया है कि दिल्ली का जो बॉस है वो दिल्ली सरकार होगी, ना कि उपराज्यपाल। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उपराज्यपाल को बॉस बनाया था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया कि 239A के तहत जो मंत्री परिषद जो बनता है उसकी सलाह पर एलजी काम करने के लिए बाध्य है। दूसरी अहम बात कोर्ट ने कही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का एक फैसला पहले से ही है एनडीएमसी का, जिसमें दर्जा देने से इनकार कर दिया गया है। तो लिहाजा दिल्ली को दर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन दिल्ली को यहां शक्तियां बहुत मिल गई हैं। तीसरी अहम बात यह कही है कि उपराज्यपाल उन्हीं मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत बड़ा हो। हर मामलों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता। चौथी और सबसे अहम बात कि अब जो उपराज्यपाल हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का,
पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों ही सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में काम करें। जो चुनी हुई सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ऐसे में एलजी जो भी पास उनके फाइलें आती हैं या जो भी चीजें उनके पास आती हैं, हर चीज में वो व्यवधान ना डाले। आपको ध्यान में होगा आंचल की बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था कि रोजमर्रा के जो काम है उसमें लगातार जो एलजी हैं वो रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि संवैधानिक पीठ का फैसला है कि रोजमर्रा के जो काम है उसमें आप रिकॉर्ड पैदा नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी बात आशीष, वैसे तो मांगने को हम चांद भी मांग सकते हैं, और दिल्ली सरकार का एक इसको राजनीतिक तौर पर भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का फुल स्टेटहुड की मांग रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज जितना भी दिल्ली सरकार को और खासतौर से केजरीवाल सरकार को मिला उम्मीद से भी ज्यादा माना जाए, ये बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा है, क्योंकि जो हियरिंग हुई थी उसमें हमें यही लग रहा था कि दिल्ली सरकार को कुछ शक्तियां मिलेंगी, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर जो अधिकारी हैं वो उनके अंडर काम करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति मिल जाएगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था, और ये बहुत बड़ी है क्योंकि अब मंत्री परिषद की जो सलाह होगी यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह पर एलजी को काम करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि एलजी जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम नहीं करेंगे, लेकिन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। चलिए जाहिर तौर पर, लेकिन आंचल मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आशीष भी हमारे साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन दिल्ली में जो चुनी गई सरकार है यानी जो राज्य सरकार है वो ही असली बॉस है। एलजी राज्य सरकार कैबिनेट। इसके मेडिकली प्रमाणित तत्व फंगस पर अटैक करे, 7 दिनों में राहत पहुंचाए और इन्फेक्शन को फैलने से रोके। रिंग गार्ड, अब 7 दिनों में दांत से राहत। इंट्रोड्यूसिंग फोर्ड फ्रीस्टाइल, जोशीले इंजन के साथ, उनके लिए जो जीते हैं दिल से। फोर्ड फ्रीस्टाइल, जोश है दिल में। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। इंडिया के ऐसे ही हजारों फ्यूचर सचिन सिर्फ अशुद्ध पानी पीने से बीमार होकर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इन बीमारियों से 100% संपूर्ण सुरक्षा दे सिर्फ लिफ्ट प्योर स्मार्ट आरो। कम ऑन इंडिया। पिज्जा ऑर्डर कर। किस खुशी में? आई डंप्ड हिम। डोमिनोज एवरीडे वैल्यू स्टार्टिंग एट जस्ट ₹99। अब जब दिल बोले डोमिनोज, ऑर्डर नाउ। इतना थिन कि लगे इट्स नॉट इवन देयर। India's thinnest condom, Durex Air. जिंदगी के सफर में लोग कदम कदम पे हमें जज करते हैं। काश जिंदगी में सब इस बेंच की तरह होते हैं, सबके लिए एक समान। ये बैठने वाले से उसकी उम्र, जात पात, औकात, रंग रूप, वेश भाषा कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल कोटक 811 की तरह। ये भी आपसे कुछ नहीं पूछता, बस एक सवाल पूछता है कि आप इंडियन हैं, और अगर आप हैं तो आपका स्वागत है। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पानो साला। वो कहते हैं ना सभी का फल मीठा होता है। मतलब भारी डिस्काउंट, फ्री गोल्ड कॉइन्स और शानदार गिफ्ट्स। 7 जुलाई से शुरू हो रहा है कल्याण ज्वेलर्स का एनुअल सेल। Not just a college, but a university. Not just teachers, but mentors. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. पतंजलि लेकर आया है ताजे फलों के रस से भरपूर पतंजलि फ्रेश फ्रूट जूस। अब बस प्यास बुझाइए, एनर्जी बढ़ाइए। एशिया कोमिनी मीठा पान कॉन्डम्स, इश्क के लाखों रंग। चलेगी ना? आप चलेगी ना? आने वाले कल की सुरक्षा में हम आपका साथ देंगे। नेचुरल क्रीम से बना वीनस क्रीम बार, ये आम साबुन नहीं है। नेचुरल क्रीम से बना वीनस क्रीम बार,
ये आम साबुन नहीं है। हाय। मेरा टाटा नमक एकदम प्योर है। मेरा नमक लेटेस्ट है और प्योर भी। मैं खुद की कसम खा के कहती हूँ। टेस्ट करे? क्या आपका नमक टाटा नमक जितना शुद्ध है? सवाल कीजिए अपने नमक से। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। ब्रेक के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिल्ली को लेकर, हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दे दी है और ये तय कर दिया गया है कि एलजीएफ कैबिनेट की सलाह पर काम करेंगे। ये अब तस्वीर साफ कर दी गई है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं, लेकिन अब एलजी को काम करना होगा। चुनी हुई सरकार के पास असली ताकत है और उन ताकतों का इस्तेमाल कर सकती है राज्य सरकार। आंचल आनंद न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट से सीधे उनका रुख भी करते हैं। आंचल, अभी आशीष भी आपके साथ जुड़े हुए थे, जो कि जब फैसला सुनाया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आप लोग जिक्र भी कर रहे थे कि जो मांगा गया था संभवतः उससे ज्यादा मिला, और अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि अब विवाद जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये बात कोर्ट ने कह दिया है कि अब एलजी काम करेंगे, दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर राकेश, जिस तरह हम कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को उम्मीद से ज्यादा मिला, लेकिन एलजी का उम्मीद से ज्यादा कुछ हिला आशीष, क्योंकि साफ तौर पर ये सबक और राय और क्या अधिकार क्षेत्र एलजी का होता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले से डिफाइन कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल 239A का इंटरप्रिटेशन किया था। मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम 239A का इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था वो था कि जो एलजी हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। सबसे अहम बात है आंचल यहाँ पर कि जो फाइलें हैं, जो केजरीवाल सरकार कहती है कि 600 से ज्यादा फाइलें हैं, अब उनके क्लियर होने का रास्ता शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और लैंड वो सेंटर का सब्जेक्ट है, वो कभी भी दिल्ली के पास नहीं हो सकता। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जिसको लेकर वो हमेशा कहते थे कि हमारे पास पावर नहीं है, एलजी ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन अब वो फाइलों के खुलने का रास्ता शुरू हो जाएगा, तो एक बड़ी पावर यहाँ पर दिल्ली सरकार को मिली है। आंचल मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। आशीष को आप अपने साथ बनाकर रखिए, उनसे और भी बातें जानी है क्या कुछ कहा गया। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। आपको लगता है क्लियर हो जाएगा आज के फैसले के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बड़ी क्लैरिटी से कर दिया है। एज पर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। सो प्लीज डोंट कंपेयर दिल्ली'ज पावर्स विद द अदर स्टेट्स। ये है, और लैंड और लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली अंडर द एलजी आती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे एलजी के अंडर कोई चीज आए या गवर्नमेंट लोकल के देंगे, अगर जो ये टुगेदर नहीं चलेंगे और कॉन्फ्लिक्ट में चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? दिल्ली का होगा ना। तो यू हैव टू फाइंड अ वे। आखिर कांग्रेस ने भी 15 साल चलाया और कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, और अगर जो कोई चीजें कॉन्फ्लिक्ट की थी भी तो आपस में उसको सॉल्व कर देते थे। कुछ गवर्नमेंट मांग लेती थी, कुछ एलजी मांग लेते थे। अभी तो फैसला है, बयान आते रहेंगे, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर प्रतिक्रियाएं अभी और भी आएंगी।